मैंने कभी जिंदगी में समंदर के किनारे से भी अपने पैरों को इतना नहीं भिगोया। समंदर जा रहे डाइव करने के लिए और देखेंगे समंदर के अंदर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। से तकरीबन कोई 45 किलोमीटर के फासले पर आ पहुंचे हैं और ये बीच कहलाता है सुनेरा बीच। 2 घंटे का तवील सफर करने के बाद जब हमने ठाटे मारता हुआ ये समंदर देखा, इसके बाद सारी थकान जो है हमारी उतर गई है। यहाँ से अब हम लेंगे बोट और बोट के रास्ते से जो है हम आगे की तरफ जाएंगे और वो हमारे सामने जो है वो बोट खड़ी हुई है जो कि हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है। और आज का जो एडवेंचर होगा वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। बहुत ज़्यादा पुरजोशी के साथ मैं बोट में बैठ चुकी हूँ। लाइफ जैकेट सबने पहन ली हैं हिफाजती तौर पर और हमारे साथ मौजूद है नईमुर रहमान जो कि टीचर भी हैं, एक्सप्लोरर भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि यहाँ से मतलब इस बोट से चढ़ना आइलैंड तक का कितना डिस्टेंस रहता है। हमारे साथ मौजूद है नईमुर रहमान साहब। इंडिपेंडेंट उर्दू को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। और चढ़ना हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम डाइव करेंगे और चढ़ना इज फुल ऑफ कोरल लाइफ, रिच मैरीन लाइफ। और आपको इफ़ वी आर लकी, जो कि मुझे लग रहा है कि हम होंगे, वी विल हैव वेरी क्लियर वाटर और इंशाल्लाह हमें अच्छी मरीन लाइफ मिलने वाली है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप कि हमें अच्छा मिल जाए। अच्छा, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा चढ़ना तक का बोट से? चूँकि हमने सुनहरा बीच से बोट ली है तो कितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे चढ़ना? अगर देखा जाए तो अगर रोड डिस्टेंस के हिसाब से बात करें, एयर डिस्टेंस तो ये गालिबन मे बी 10 किलोमीटर्स हो, लेकिन चूंकि हमारी बोट की स्पीड बहुत हल्की है, इस वक्त हम तकरीबन 10 नॉटिकल माइल्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें पहुंचने में 1 घंटा या शायद इससे ज़्यादा लग जाए क्योंकि आज विंड्स आए हैं। इस वक्त जो हम जा रहे हैं, हम जो विंड फेस कर रहे हैं, ये 18 नॉटिकल माइल्स है और आइडियल नहीं है, लेकिन इस वक्त तो हम चूँकि विंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा। वापसी में हमें थोड़ा सा चौपी मिलेगा। हमारी मंजिल मकसूद है और हम पहुंच गए चढ़ना आइलैंड पर। अब से कुछ 2 मिनट बाद सऊद साहब जो है मुझे पानी में उतारेंगे और वो उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ एक हमारा ट्रायल होगा। क्या कहते हैं इसमें हम जो बेसिकली सबसे पहले जो हम करेंगे ना, वो स्नॉर्कलिंग से स्टार्ट करेंगे। आपने स्नॉर्कलिंग करी, इसके बाद हम आपको डाइव पे लेके जाएंगे ताकि आपका हाफ एक्सपीरियंस वहाँ कवर हो और आपका हाफ एक्सपीरियंस जो है अंडर वाटर में कवर। सऊद साहब, मैं इस वक्त एक्साइटेड तो हूँ लेकिन डर भी रही हूँ। डरने की तो बात कोई नहीं, क्योंकि देखिए फर्स्ट एक्सपीरियंस तो हर किसी का होता है और स्विमिंग इसमें जरूरी नहीं है क्योंकि आपके साथ इंस्ट्रक्टर भी है, आपके साथ लाइफ गार्ड्स भी हैं। बहुत करीब आ गए तो डर लग रहा है। जैकेट्स मेरे बहुत टाइट कर दिए हैं। इनका ये कहना है कि पहले मैं पानी में ऐसे ही डाइव करूँगी, उसके बाद जो है हम स्कूबा करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि हमारा ट्रायल सेशन चल रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन नईमुर रहमान साहब का कहना है कि जब आप डाइव करेंगे, जब आप स्कूबा के लिए जाएंगे, उसके बाद आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। मुश्किल हो रही है लेकिन वी आर ट्राइंग कि हम थोड़ा सा इजी हो जाए।
देन फिर हम स्कूबा करने के लिए तैयार होंगे। इस वक्त मैं डीप सी में गई थी और मैंने जब वो मास्क पहना से सांस लेनी थी तो उसमें बड़ी मुश्किल हुई मुझे उससे सांस लेने में। अब सेकंड टाइम मेरा ये ट्रायल होगा, उसके बाद लेट्स सी कि क्या होता है। फिर अंदाजा ये एक्सपर्ट्स जितने भी मेरे साथ हैं देन वो डिसाइड करेंगे क्या मैं स्कूबा के लिए तैयार हूँ कि नहीं हूँ। ये सवाले का फर्स्ट फेज था जिसको उन्होंने सक्सेसफुली पास कर लिया है। उमूमन लोग फर्स्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं या फिर एक्साइटेड ज़्यादा होने की वजह से गलतियां करते हैं या घबरा जाते हैं। फॉर्चुनेटली इन्होंने सारी चीज़ें फेवरेबल की हैं एंड आई होप कि अब जो इनकी नेक्स्ट राइड है, अभी तक ये इनका जो था वो क्लाइमेटाइजेशन पीरियड था कि जब ये पानी से यूज्ड हुई, अब इंशाल्लाह ये जब स्कूबा डाइव पे जाएंगी तो जब ये वापस आएंगी तो फिर आप देखिएगा कि इनका रिएक्शन क्या होगा। हम कराची वाले हैं और कराची वालों को तो इतना समंदर से नहीं घबराना चाहिए। अच्छा, जो हमारी कश्ती है ना वो मुस्तकिल तौर से हिचकोले खा रही है और हिचकोले क्यों ना खाए, ठाटे मारता समंदर है और समंदर के आगे तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जब ये लहरें अपने मौज में हों तो फिर मतलब सिचुएशन ऐसी ही होती है। समंदर के अंदर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। थम्स अप। इतनी जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से। Thank you.
आ गया। मेरी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था जिसे मैंने खूब इंजॉय किया, क्योंकि हमने समंदर के बाहर की दुनिया देखी, ज़मीन के ऊपर की दुनिया देखी, लेकिन समंदर की अंदर की दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ थे। क्या आपने वाकई ऐसा फील किया? अब मैं आपको बताऊँगा तो आप कहेंगे कि हाँ शायद ऐसा ही है। नंबर वन, स्लो मोशन वॉल, ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था। नंबर टू, नो ग्रेविटी, ऐसा ही था कि वेट आपको नीचे ले जा रहा था और सऊद भाई जब जैकेट में हवा भर रहे थे तो आप ऊपर आ रहे थे, तो बेसिकली आप वेट लेस थी, जस्ट लाइक ट्रैवलिंग इन स्पेस। एंड नंबर थ्री, साउंडलेस एनवायरनमेंट, आपको कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ आपको अपने सांस की आवाज आ रही थी, या फिर बबल्स, कुछ मुझे महसूस हो रहे थे कि बबल्स बन रहे। और मैरीन लाइफ को आपने देखा, एंजॉय किया, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शायद आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी एडवेंचर थी आज तक की? बेहतरीन एडवेंचर थी जो हम अपनी इस स्टोरी के आगाज से कह रहे थे कि एक एडवेंचर है, एडवेंचर तो वाकई ये बेहतरीन। तो आप अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इसको ट्राई करें ना करें? देखिए जी, हमारे यहाँ जो है वाटर स्पोर्ट्स की, जब मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बोटिंग भी हो जाती है, सेलिंग भी हो जाती है, लेकिन स्कूबा डाइविंग का रुझान जो है वो लोगों में कम पाया जाता है या दरमियाना पाया जाता है। दरमियाना इसलिए कहूँगी क्योंकि कुछ देर पहले हमें आमिर साहब ने भी ये बताया है कि अब तक हज़ारों की तादाद में लोग डाइविंग कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमती तआवुन ना होने की वजह से इस खेल को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। तो जो लोग ख़तरों के खिलाड़ी हैं और जो एडवेंचर पसंद हैं वो एक मरतबा ज़रूर यहाँ पर आकर डाइविंग करें, और ये एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आपने, अच्छा दूसरी चीज़ ये भी है ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि टूरिज़्म को प्रमोट करता है, जिससे हमारी सियाहत को फ़रोग मिल सकता है, क्योंकि कराची शहर समंदर का शहर है और कराची शहर में दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं समंदर देखने के लिए, और यहाँ से बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं डाइविंग करने के लिए। तो अपने समंदर में आएँ, अपने मुल्क के समंदर में आएँ और ज़रूर इसके एक्सपीरियंस करें। नईमुर रहमान साहब, आप हमें ये बताइए अब कि हमारा जो ये स्कूबा डाइविंग का ये शोबा है ये कितना बेहतरीन है, और इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, और कुछ अपने ख्यालात पे इजहार करें प्लीज़। देखें, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, इस एडवेंचर की बात करें, इट माइट बी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टिविटी स्पेशली इन कराची। पाकिस्तान में रहते हुए जब हम आउटिंग की बात करते हैं या कहीं जाने की या अपने शहर से निकलने की बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम नॉर्थ पाकिस्तान जाएं, वहाँ भी नो डाउट खूबसूरती है, लेकिन ये जो ब्यूटी यहाँ पर है ये अनमैच्ड है। उसकी वजह ये है कि ये प्योर ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और वाइल्ड है और हार्मलेस है, सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा, फिर लोगों के जहन में ये शक आता है कि कहीं ये कोई बहुत महंगा तो नहीं, लोग हमसे अप्रोच करते हुए डरते हैं कि यार ये पता नहीं इस पर कितने हज़ारों रुपए लग जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। दिस एक्टिविटी कुड बी एज लो एज 4,000 एंड एज हाई एज 9 to 10,000 रुपीज़। इतने का तो एक वक्त में हम खाना खा लेते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ इसमें इंजॉय करें जो कि हमने कभी नहीं देखी और जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन जाए कि जब हम बाहर जाएँ, जैसे आप जाएंगे अपनी सोशल सर्कल में या इधर उधर, तो आप बताएंगे कि यू हैव डन दिस, तो दिस इज़ समथिंग रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये एटलीस्ट आई वुड हाईली रिकमेंड कि कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। सही। अच्छा, कभी भी ऐसा हुआ है आपके इस तजुर्बे में कोई ऐसा हादसा या होते होते रह गया, किस तरह से आपने उसको टैकल किया, किस तरह से मैनेज किया आपकी टीम ने, क्योंकि जाहिर सी बात है तो हम समंदर के अंदर ही ना। देखिए, जब आप नेचर में होते हैं तो यू आर ऑन योर ओन, आपको बचाने वाला कोई नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इस वक्त यहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो हमारा जो फर्स्ट रेस्क्यू है उसमें कम से कम हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी कंप्लाइंस, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमने जब राइड शुरू करी, हमने आपको ब्रीफिंग दी, फिर डाइव स्टार्ट होने से पहले हमने आपको डूज एंड डोंट्स बताए, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे डाइव मास्टर सऊद भाई हैं वो इंश्योर करते हैं इस बात को कि वो हर सेकंड, बेसिकली वो आपके साथ डाइव पे थे लेकिन वो हर सेकंड आपको वॉच कर रहे थे, आपकी मूवमेंट को नोट कर रहे थे, और जहाँ उनको डाउट होता है किसी किस्म का वो फ़ौरन आपको ऊपर ले आते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये काम काफ़ी रेगुलर हो रहा है और हर हफ्ते कुछ नहीं 500 से 700 लोग डाइव करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 ईयर्स जब से कम अज़ कम मैं समंदर में आ रहा हूँ आज तक तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, नॉट इवन वन, या ये कह लें कि नैरो एस्केप भी नहीं हुआ है। माय नेम इज़ सऊद एंड आई एम अ सर्टिफाइड डाइव मास्टर। बेसिकली मैं जो हूँ डिस्कवर डाइवर हूँ, बहुत सारी जगहें मैंने जो है वो डिस्कवर करी हैं और आज से कोई तकरीबन 12-13 साल पहले से मैं ये डाइविंग करता हुआ आ रहा हूँ। तो हमारे पास जो अच्छा स्पॉट है ना डाइविंग का वो चरना आइलैंड है और जहाँ पर ऑलमोस्ट 9-10 साल से डाइविंग होती हुई आ रही है और मरीन लाइफ बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, शोल्स होते हैं फिशेस के और एक्सेसिबल है, अच्छी जगह है, तो लोग जो भी आते हैं हमारे पास तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है हमारे साथ डाइव करने में, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम डेप्थ होती है ना वो 30 मीटर की होती है। जब पानी में होते हैं तो हमारे पास जो है ना ये माउथ रेगुलेटर लगा हुआ होता है तो हम मुँह से तो बात कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब करेंगे क्या कि हमारे पास जब ये लगा हुआ होता है तो जाहिर सी बात हम बात नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए जो है ना एक अलग से जो है हैंड सिग्नल्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं हमारे डाइविंग के अंदर, लेकिन कुछ बेसिक से हैंड सिग्नल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो हम क्लाइंट को या कस्टमर जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे ये ओके का साइन होता है, ठीक है, ये अप का साइन है, डाउन का साइन है, समथिंग इज़ रॉन्ग है, दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें कि इक्वलाइज़ करना। इक्वलाइज़ आपने डाइविंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आप इक्वलाइज़ नहीं करेंगे तो आपकी डाइव के अंदर प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं ना तो प्रेशर बढ़ता जाता है, वो प्रेशर को हमने लाजमी इक्वलाइज़ करना पड़ता है, वरना आपके जो एयर जो ड्रम है ना उसमें आप तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डाइवर की और सामने जो डाइव कर रहा है हमारे साथ। डाइविंग का जो सीज़न है ना यहाँ पर बेसिकली जो स्टार्ट होता है ना वो मिड ऑफ द अक्टूबर से स्टार्ट होता है और वो जाता है फरवरी के एंड तक, ठीक है। ये बहुत बेस्ट सीज़न होता है बेसिकली पाकिस्तान में। ये अगर मैं कहूँ तो सबसे सस्ता जो है ये स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग पाकिस्तान में कराई जाती है। स्नॉर्कलिंग की कॉस्ट समवेयर अराउंड 6,500-6,000 रुपये है, जिसमें आपको पिक एंड ड्रॉप, खाना पीना, सारी चीज़ें और स्नॉर्कलिंग कराई जाती है। स्कूबा डाइविंग की कॉस्ट समवेयर अराउंड 9,000 से 10,000 है, जो कि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो कम से कम भी जो है वो $100 से $150 तक जाती है। हमारा एडवेंचर से भरपूर स्कूबा डाइविंग का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ और जब डाइव करने से पहले जैसे ही मैं डीप वाटर तक पहुँची तो मैं ख़ुद से बातें करने लगी, क्या ये मैं कर सकती हूँ, मैं यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ लेकिन क्या ये मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि समंदर से तो मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा खौफ आता रहा है, लेकिन अब तय कर लिया था कि करना है तो फिर एकदम से हिम्मत आई और बस सारी जो सेफ्टी थी उसको जल्दी से वेयर किया और वेयर करने के साथ में अपने जो मेरे साथ मेरे डाइवर थे उनके साथ मैंने स्कूबा डाइव किया और जैसे ही मैं डीप वाटर में गई, अंडर वाटर में गई, वहाँ पर जो फिशेस मेरे चेहरे के सामने से गुजरी तो मतलब आबी हयात और इंसानों का जो कनेक्शन जो बना था तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इतने ज़्यादा समंदर के अंदर मैंने रंग देखे तो वो सारे रंग देखकर मुझे ये गुमा हुआ कि वाकई ज़िंदगी तो रंगों के बग़ैर बिल्कुल फीकी सी है। जिस तरह हम ज़मीन की दुनिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं, इसी तरह हमें अपनी मरीन लाइफ का भी ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर तो हमारा समंदर आलूदा हुआ तो हमारे आबी हयात को हमेशा ख़तरात लाहक रहेंगे। ये जो समंदर है ये कुदरत की तरफ से हम लोगों को एक अनमोल तोहफ़ा है और ये एक ऐसी तफरी है जिसे कभी भी आकर कोई भी एंजॉय कर सकता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।